हेलो डियर्स, फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स कैसे चेंज करें। हाउ वी शुड चेंज इजली फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन गियर बॉक्स एंड व्हाई वी शुड रिप्लेस इट, और हमें इनको क्यों रिप्लेस करने चाहिए। अगर कुछ फॉल्ट इनके रिपेरेबल हैं जिनको हम समझते हैं कि ये गियर बॉक्स की प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो हमें गियर बॉक्स को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, आज मैं फुल्ली ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन के गियर बॉक्स में होने वाले वो चार ऐसे फॉल्ट के इंडिकेशन कि गियर बॉक्स को रिप्लेस करने के पहले, गियर बॉक्स को चेंज करने के पहले आप इन चार ऐसे फॉल्ट को जरूर चेक करें। पूरी दुनिया में, इन ऑल ओवर वर्ल्ड, मैकेनिक्स आर रिप्लेसिंग गियर बॉक्स, बट फॉल्ट्स आर रिपेरेबल एंड एडजस्टेबल विदाउट एनी रीजन दे आर चेंजिंग गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के वो फॉल्ट रिपेरेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, आप उनको रिपेयर कर दें, उनको एडजस्ट कर दें, वो सॉल्व हो जाएंगे, बट बिना ज़रूरत के गियर बॉक्स को रिप्लेस किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट रीज़न। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश पल्सेटर ओनली वन साइड में ही रोटेट होते हैं, कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होता है, लेकिन जब क्लॉकवाइज में रोटेट होना होगा तो इनके वॉश पल्सेटर सीधा स्टक हो जाते हैं, चलते ही नहीं है, जैम हो जाते हैं। जब वॉशिंग मशीन को लेटा करके इनके गियर बॉक्स पे जब आप ध्यान देते हैं और इनके गियर बॉक्स के क्लच स्प्रिंग पे ध्यान दें, इन क्लच स्प्रिंग के जो केसिंग गियर्स हैं, ये जो वाइट वाले जो गियर पार्ट्स हैं, इनको लॉक करने वाले गियर बॉक्स के लॉकर, अगर ये दांतों को लॉक करने वाले ये लॉकर परफेक्टली उनको सेट नहीं होते हैं, उनको लॉक नहीं करते हैं, तो ऐसे में इनके गियर बॉक्स की लॉकर्स अगर जैम हैं तो उनको ऑयलिंग करके फ्री करें, या कि उनको परफेक्ट तरीके से सेट करें, और या कि इनके क्लच स्प्रिंग को रिप्लेस करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कि गियर बॉक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वॉशिंग मशीन जब स्पिनिंग प्रोसेस पे जाती है, व्हेन योर वॉशिंग मशीन स्टार्ट्स स्पिनिंग, ऑन दैट टाइम वॉश पल्सेटर स्पीड इज सम इनफ एंड स्पिनर ड्रम स्पीड इज स्लो। व्हाट इज द रीजन? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब वॉशिंग मशीन स्पिनिंग प्रोसेस में जाती है, वॉश करने वाले पल्सेटर, धुलने वाले पार्ट और स्पिनर ड्रम, इनको दोनों को साथ में रोटेट होना चाहिए खूब स्पीड में। तो रीजन यही है दोस्तों कि ये क्लच स्प्रिंग दोनों शाफ्ट को आपस में जकड़ते नहीं है, या तो ये ढीले हो गए हैं, और या तो वॉशिंग मशीन की ये जो क्लच, जो पुलर पार्ट हैं, ये प्रॉपर खींचते नहीं हैं। फर्स्ट आई विल गिव यू एडवाइस दैट यू हैव टू एडजस्ट गियर बॉक्स क्लच एडजस्टेबल बोल्ट। इन क्लच एडजस्टेबल बोल्ट को आप और टाइट करिए, इनको और नीचे जाने दीजिए। इससे क्या होगा कि गियर बॉक्स के क्लच जब ड्रेन असेंबली इनको पुल करेगी, इनको खींचेगी, तो ये गियर बॉक्स के क्लच के स्प्रिंग को और टाइट होने का चांस देंगे, और गियर बॉक्स के अंदर ये जो अंदर वाले जो पार्ट देख रहे हैं, जो वॉश वाले, तो ये जो रोटर हैं, इनका दूसरा रीजन होता है कि ब्रेक लगाने का काम। इस इनर गियर बॉक्स के सिलेंडर के ऊपर से जो आप ये पट्टी देख रहे हैं, ये ब्रेक का काम करते हैं, ब्रेक शूज का काम करते हैं। गियर बॉक्स के बोल्ट को ज़्यादा टाइट कर देने से, बहुत ज़्यादा भी टाइट ना करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही टाइट करें, गियर बॉक्स के जो ब्रेक हैं ये और फ्री होने लगते हैं। तो सिलेंडर पार्ट जब फ्रीली रोटेट होंगे, इनको ब्रेक नहीं लगेंगे, तो स्पिनर के स्पीड नॉर्मल हो जाए। आप इनको एडजस्ट करके देखें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तीसरा और रीज़न नंबर थ्री, अगर वॉश पल्सेटर और स्पिनर ड्रम के स्पीड अगर डिफरेंट हैं, और जब कभी आप वॉशिंग मशीन की पुल्ली को खोलते हैं, फिर इनके गियर बॉक्स के क्लच स्प्रिंग को आप बाहर निकालते हैं, और आप देखते हैं कि इनके क्लच स्प्रिंग बिल्कुल सही सलामत हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन गियर बॉक्स क्लच स्प्रिंग, गियर बॉक्स के क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि गियर बॉक्स लीकेज भी नहीं है, उनमें से ऑयल भी नहीं आ रहा है, अगर गियर बॉक्स में से ऑयल आते हैं तो भी स्प्रिंग ज़्यादा गीले होने से ये स्लिप करने लगते हैं, तो भी वॉशिंग मशीन के स्पिन टब और वॉश पल्सेटर के स्पीड डिफरेंट होने लगती है।
अक्सर स्पिनिंग के टाइम पे होने वाली ये फॉल्ट कि पल्सेटर का स्पीड डिफरेंट जो काफ़ी तेजी से चलते हैं और वॉशिंग मशीन का स्पिनर टब स्लोली रोटेट होते, तो दोनों का स्पीड डिफरेंट होने से वॉशिंग मशीन के टब के अंदर रखे हुए कपड़े वे आपस में गोल गोल से गट्ठर बन जाते हैं, जिससे वॉशिंग मशीन के स्पिन प्रोसेस में वॉशिंग मशीन का ड्रम बहुत शेक होने लगता। तो इस फॉल्ट का सॉल्यूशन, इसका रीज़न क्या होता है कि ये जो क्लच स्प्रिंग है, ये क्लच स्प्रिंग चल चल करके ढीले हो जाते, जो वॉशिंग मशीन कई सालों से यूज होते आ रही है कि गियर बॉक्स के वॉश वाले रोटर को और स्पिनर वाले रोटर दोनों को ये आपस में जकड़ते हैं और जकड़ करके उनको घुमाते हैं, तो अक्सर ये चल चल करके ढीले हो जाते, इनमें फैलाव आ जाता है, ये साइज में बड़े हो जाते हैं, कुछ ढीले हो जाते हैं, तो आपको इनको हार्ड करना है। अगर इनमें सॉफ्टनेस आ गया है तो इनको थोड़ा सा हार्ड करना है, आपको इस प्रोसेस को करके देखना है। आप इनको आग में 3 बार तपाएं, इनको खूब गर्म करें, यू प्लेस इट ऑन फायर फ्लेम, इनको आग के फ्लेम में चाहे चूल्हे पर या गैस स्टोव पर आप इनको खूब गर्म करें, इतनी सावधानी से इनको गर्म करें, यू प्लेस इट इन फायर फ्लेम वेरी केयरफुली कि इनके सेफ चेंज ना हो, यू हैव टू कीप अबाउट इट सेफ। अगर आप प्लायर से इनको पकड़ेंगे, टेढ़ा मेढ़ा पकड़ेंगे, इनके सेफ उसी पोजीशन में चेंज हो जाएंगे जब इनको हीट आप देंगे, तो आप इनको किसी रॉड के ऊपर या स्क्रू ड्राइवर के ऊपर यूं रखें और इनको यूं गर्म करें और इनको पानी में डालें, वापस गर्म करें, वापस पानी में डालें, वापस गर्म करें, वापस पानी में डालें। 3 बार आपको इस प्रोसेस को करना है, यू हैव टू डू इट 3 times, यू हैव टू डू दिस प्रोसेस 3 times, इट विल बिकम हार्ड, ये हार्ड हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। ये वो प्रोसेस है कि जैसे लोहे की फैक्ट्री में कच्चे लोहे को पक्का लोहा बनाया जाता है, अब ये हार्ड हो चुके हैं, अब जब आप इनको फिटिंग करेंगे फिर आप देखेंगे कि स्पिनिंग के प्रोसेस में वॉश पल्सेटर और स्पिनर ड्रम की स्पीड सेम हो जाएगी, ये स्लिप नहीं करेंगे और कपड़े आपस में गोल गोल से गट्ठर नहीं बनेंगे, ये ड्रम के किनारे किनारे बिल्कुल चिपक करके चलेंगे और बैलेंस में चलेंगे, दिस ड्रम विल स्पिन इन बैलेंस। और अगर आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वाली वॉशिंग मशीन वॉशिंग के टाइम पे कुछ खट 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 की आवाज़ करता है और वो आवाज़ अगर गियर बॉक्स से आती है, तो आप अपनी वॉशिंग मशीन को ले डाउन करके इनके गियर बॉक्स के पुल्ली को खोलें और इनके गियर बॉक्स के क्लच स्प्रिंग को चेक करें, अक्सर ये टूट गए रहेंगे कुछ इस तरह से, और या तो ये डैमेज हो जाते हैं, बीच में से टेढ़े हो जाते हैं, तो भी गियर बॉक्स से वॉशिंग के टाइम पे खट 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 की आवाज़ आती है। तो ऐसे में आप देखें कि किस ब्रांड की वॉशिंग मशीन है, अगर उनके क्लच स्प्रिंग मार्केट में मिलते हैं तो आप उनको खरीद करके लेके आएं और उनको रिप्लेस करके देखें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर मार्केट में स्टॉक नहीं मिलता है तो एक बार आप हमको भी पूछें, ये क्लच स्प्रिंग परचेस ही नहीं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, वाटर प्योरीफायर, टीवी, ऑडियो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा तो भी आप, कोई भी अप्लायंसेस अगर आपको रिपेयर करवाना हो या कि उसकी सर्विस पानी हो, तो आप हमारे इस 9833337777 इस कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमारे वेल क्वालिफाइड रिपेयर सर्विस इंजीनियर को आप अपने डोर स्टेप पर बुला सकते हैं, आप अपने घर पे बुला सकते हैं और आपके अप्लायंसेस में हो रही प्रॉब्लम को सेटिस्फैक्ट्री सॉल्व करेंगे वो। तो डियर्स, इस क्लच स्प्रिंग को रिप्लेस कर देने से, चेंज कर देने से गियर बॉक्स के अंदर वॉशिंग के टाइम पे खट 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 की होने वाली आवाज़ सॉल्व हो जाएगी। डियर्स, लेट्स गो रीजन नंबर 4 ऑफ गियर बॉक्स प्रॉब्लम। अब गियर बॉक्स प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन में स्पिनिंग के टाइम पे कुछ इस तरह की आवाज, आप आवाज को सुने रहे राइट दोस्तों, ऐसा लगता है कि गेहूं को पीसकर आटा बनाने वाली जो चक्की होती है पुराने जमाने की, वो बहुत आवाज करती है, घर घर की आवाज, ऐसा लगता है आसमान से एरोप्लेन जा रहा है, पुराने वाले एरोप्लेन बहुत आवाज करते, ऐसे अगर आवाज है तो ये गियर बॉक्स के ऊपर या कि नीचे लगे हुए बेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, जो इनके इनर वाले गियर बॉक्स के जो गियर्स लगे हैं, अगर वे गियर्स कट चुके हैं, उनके लुब्रिकेंट खाली हो चुके हैं, रीजन ऑफ एम्प्टी लुब्रिकेंट ऑयल, ऐसे में आपको गियर बॉक्स को चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट यू कैन चेंज
इजिली फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन गियर बॉक्स। तो सबसे पहले इस वॉशिंग मशीन के इनके बैक कवर को भी बाहर ले लें। तो इनके टॉप पैनल को पहले खोलना होगा, जैसा हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इनके यहाँ पर लगे हुए स्क्रू को खोलें और दूसरे इस साइड के स्क्रू को भी इस तरह से इनको खोल लें और इनको बाहर ले लें, और फिर इनके इनको स्क्रू को खोल करके इनको इस तरह से बाहर ले लें, और बिल्कुल इस तरह से दूसरे वाले को भी निकालें। इनके पीछे इनके यहाँ पर लगे हुए स्क्रू को खोलें और दूसरे इस साइड के स्क्रू को भी इस तरह से इनको खोल लें और इनको बाहर ले लें। इनके प्रेशर सेंसर वाले जो ट्यूब जो नीचे जा रहे हैं ड्रम को, उनको डिस्कनेक्ट कर दो, निकाल दो, और वॉशिंग मशीन के नीचे से जो वायर आ रहे हैं जो टॉप पैनल को जा रहे हैं इनको कनेक्टर से डिस्कनेक्ट करें, या कि अगर क्लिप लगे हुए हैं तो भी, या कि आप इनको कटिंग करके भी निकाल सकते। इनके ये वाले कनेक्टर्स को इनको निकाल लें, इनके ऊपर जा रहे वायर को डिस्कनेक्ट करें, और अब इनके टॉप कवर को यूं उठाएं और यूं बाहर ले लें, इस तरीके से बाहर ले लें, और फिर इनके ड्रम के अंदर के लगे हुए पल्सेटर पार्ट किसी स्क्रू ड्राइवर से इनके इस तरह से खोलें और इन्हें बाहर ले लें, और फिर किसी स्क्रू ड्राइवर से इनके स्क्रू को यूं खोलें, और फिर इनको यूं और इनको इस तरह से बाहर ले लें। और अब हम देखेंगे इनके चेक नट। ये वाले चेक नट हमें इनको खोलना है, ये बहुत जैम रहते हैं। ये वाले स्पैनर से हमें कुछ इनको इस तरह से, ये जो 36 mm के जो नट दिखाई दे रहे हैं इनका साइज है 36 mm। इस नट को खोलने के लिए हमारे पास ये वाले स्पैनर खोलना है, इस तरह से हैमरिंग करके खोलना है। तो अब हम इनको इस तरह से इनको इसमें, तो हमें इस तरह से इनको खोलना है। आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में इनको हैमरिंग कर करके खूब ठोक ठोक करके खोलें। दोस्तों, इस नट को तो हमने आसानी से खोल लिया, लेकिन जो काफी सालों तक यूज किए हुए वॉशिंग मशीन रहे उनके गियर बॉक्स के ये चेक नट ये जल्दी से खुलने नहीं आते हैं, बहुत जैम हो जाते हैं। इनको खोलने के लिए आप एंटी रस्ट जैसे थिंग्स को भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे WD-40 वगैरह आता है, या कि यहाँ पे कुछ लुब्रिकेंट ऑयल भी लगा देने से, और फिर उनको जब आप खोलेंगे तो वो आसानी से खुल। और जिस गियर बॉक्स का चेक नट नहीं खुलता है उनके चेक नट को इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से उनको आप कटिंग करके दो टुकड़ों में कटिंग करके उनको निकाल दें, फिर गियर बॉक्स को ठोक ठोक करके बाहर लें। इनके चेक नट बाहर आ चुके हैं, और अब इनके ये वाले शाफ्ट को हमें इनको हैमरिंग कर करके हमें नीचे की तरफ से निकालना है, और वॉशिंग मशीन को टेढ़ा करके इसके नीचे कुछ रख दें कि नीचे फ्लोर की टाइल्स कुछ डैमेज ना हो, और फिर इनमें आपको कुछ इस तरह के टूल्स इन्हें यूज़ करना है। आप इन्हें देख रहे हैं, ऐसे वाले टूल्स कुछ इनको हैमरिंग करना है टॉप साइड से। तो इनको ऐसे वाले टूल से यूं उठाना है और यूं ठीक इनके ऊपर इनको धीरे धीरे जा चुके हैं। दोस्तों, अब आप देखेंगे कि गियर बॉक्स इनके नीचे से आप यूं आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि मैं हूं इस्माइल शेख, इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर, जो कई सारी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का डिजाइन दिया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर हूँ। अगर आपको होम अप्लायंसेस जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर प्योरीफायर, टीवी, ऑडियो जैसे अप्लायंसेस को अगर आपको रिपेयर सीखना है, उनकी सर्विसिंग सीखना है, तो आप हमारे इस रिपेयर 24S यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को आप जरूर एक्टिवेट कर लेना कि जब भी वीडियो पोस्ट होगी आपको जल्दी मिले। और अब हमें इनके फ्रेम को निकालना है, उसके लिए इनके स्क्रू हमें खोलने हैं। तो हम किसी स्क्रू ड्राइवर से
हम इनको खोलेंगे, हमें इनके स्क्रू को खोलना है इस तरह से। इनके ये वाले और ये वाले और ये वाले, इन सभी स्क्रूज को इनको होल करके हमें इस तरह से इनको बाहर ले लें। और अब इनके इस ड्रम को आप यूं पकड़ें और यूं उठाएं, आसानी से बाहर आ चुके हैं। अब हम इनको और इसी टाइम पे इनकी ब्रशिंग करके खूब क्लीनिंग कर लें, इसलिए कि ड्रम की क्लीनिंग के चांसेस इसी टाइम पे होते हैं। और इनके ड्रम के अंदर भी क्लीनिंग कर लें, अगर कुछ क्वाइन या कचरे अंदर पड़े हैं ब्रशिंग करके क्लीन कर लें। और फिर वापस आप इनको लिटाएं। तो अब हम इनके इस नए वाले गियर बॉक्स को हम इनके अंदर कैसे फिटिंग करेंगे। सबसे पहले इनके पुलर पार्ट को इनके ड्रेन कॉप के पोजीशन में यूं लें और ड्रम होल के अंदर इनको इस तरह से सेट करें। इनके सभी बोल्ट को, इनके ड्रेन मोटर फिटिंग हो गए हैं, और फिर इनकी बेल्ट को भी चढ़ा दें और इनके गार्ड को भी यहाँ पर फिटिंग कर दें। और अब वॉशिंग मशीन को सीधा करें। और अब इनके ड्रम के अंदर हमें स्पिन टब को फिट करना है। और अब वॉशिंग मशीन के स्पिन टब को इनके अंदर इनको फिटिंग कर दें और इनके इस चेक नेट को इनके अंदर इनको फिटिंग कर दें। और वापस इसी टाइप वाले स्पैनर से आप इनको सेट करके और खूब टाइट करें। और इनके पल्सेटर को फिटिंग करें, पल्सेटर स्क्रू को टाइट करें और इनके कैप को भी लगा दें और इनके रिंग को भी फिटिंग कर दें और इनके सभी स्क्रू को भी लगा दें और इनके टॉप कवर को भी लगा के अब हमने वॉशिंग मशीन को स्टार्ट। आपके घर के सारे बड़े अप्लायंसेस में हो रही प्रॉब्लम को सेटिस्फैक्टरी सॉल्व करेंगे। होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस से क्वालिफाई होने के लिए हमारे इस रिपेयर 24H YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।